यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुएल अपने कैमरामैन तारिक प्यारा के साथ आपको वेलकम करता हूं एक नए प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो इस तरह से है कि संडे सर्विस हम आपको लाइव उसकी रिकॉर्डिंग करके दिखाया करेंगे, आप संडे सर्विस का हिस्सा बनेंगे जो आपकी रूहानी तरक्की का बायस होगा। आज मैं मौजूद हूँ राइवन डायसिस के चर्च सेंट पीटर्स चर्च में। यहाँ पर आज की जो खसूसी इबादत है वो हम आपको दिखाएंगे जो कि फादर्स डे के हवाले से है। आपको मेरी तरफ से, मेरे कैमरामैन और पूरी नेशनल न्यूज़ टीम की तरफ से फादर्स डे मुबारक हो। तो आइए इबादत करते हैं पास्टर अयूब मसीह के साथ जो कि पास्टर इंचार्ज हैं सेंट पीटर्स चर्च राइवन डायसिस के। शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए कि खुदा
تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج فادر ڈے ہے, اور جو لوگ دو منٹ یا ایک منٹ کی اسپیچ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام ایلڈر شاہد گلاب کو لکھوا دیں. جو لوگ چند اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام ایلڈر شاہد گلاب کو لکھوا دیں. اور جو پہلے داس نام آئیں گے انہی میں سے ہم لیں گے, اس کے بعد پھر موقع نہیں ہوگا. آپ سب کو میری طرف سے سلام اور ہیپی فادر ڈے. آج ہم اس کی بات کریں گے کی جائے گی جو ہمارے سفروں کے لیے, بچوں کے سفروں کے لیے اپنا پھلا کھول دیتا ہے. آج ہم اس کی بات کریں گے جو جس پر کم وقت بچے کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھائے. ابھی ہم اپنی نظر تین دھڑے جب مزدوری کر کے آتا ہے باپ, تین دھڑے جب مزدوری کر کے آتا ہے باپ, دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو خوش ہو جاتا ہے باپ. ایک بچے کی قلم میں گھر چھوڑ کر جاتا ہے باپ, ایک بچے کی قلم میں گھر چھوڑ کر جاتا ہے باپ, جانے کس کس کے گھر پر مدد مانگنے جاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس کے بیٹے کے مر جاتا ہے باپ, سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ. زندگی بھر چلتا ہے مشینوں کی طرح, موت کی گودی میں ایک دن تھک کر سو جاتا ہے باپ. تھینک یو. آج مجھے جو وراثت میں ملا ہے نارا گوبھی کے لیے گاؤں گی. پیکر تھا وفا کا, محبت کا خدا تھا. وہ شخص زمانے میں سب سے جدا تھا, چاہت کے خزانے تھے ہر ایک لفظ میں اس کے, چاہت کے خزانے تھے ہر ایک لفظ میں اس کے. دامن میرا اس نے دعاؤں سے بھرا تھا, مجھ کو نہیں دیکھا کڑی دھوپ نے چھو کر, مجھ کو نہیں دیکھا کڑی دھوپ نے چھو کر. بابا میرا دنیا میں مجھے ایسا جو ملا تھا, فکرے نہ زمانے کی کبھی پاس بھی آئیں, فکریں نہ زمانے کی کبھی پاس بھی آئیں. میرا درد میری ہستی سے ڈرتا ہی رہا تھا, میرا درد میری ہستی سے ڈرتا ہی رہا تھا. جب تک رہا سانسوں کا بسیرا میرا بابا, جب تک رہا سانسوں کا بسیرا میرا بابا, تب تک میں غموں سے بچا ہی رہا تھا. اس شام کی حدت میرے دل سے نہیں جاتی, اس شام کی حدت میرے دل سے نہیں جاتی, جس شام تیرا سایہ میرے سر سے اٹھا تھا. تھینک یو. خدا
तमाम बच्चों के सर पर। उनके बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए रहे और वो लोग खुदा की मोहब्बत में हमेशा के लिए कायम रहे। थैंक यू। मंगवाला है जिन्होंने जानलाल सच्चा कहा यीशु पीछे जावा कहता है महापद ने सब सुकून पावा बाप सारे करता साया जिंदगी रब बतावे मेहनत करता बचिया नहीं खैरियत नाल घर आवे बाप बच्चा ली ठंडी शाम हर किसी नू मिले बच्चे खुशहाल होते बाप खुशी नाल किए बाप दा साया रवे हमेशा सुख सुकून पाने इज्जत करके इन्हां दी बरकत नू बधावे आ खैर करी रबा सब दी दुनिया दी होवे ना जिंदगी देनी बच्चिया नू बाप दी रवे इच्छा मां बाप नू बच्चे जेड़े इज्जत नाल पढ़ाते ने दुनिया उत्ते रह के सदा सुख सुकून पाउंदे ने मां बाप बच्चिया लई दुनिया ते इक साया है इज्जत करो इन्हां दी रब ने आप सिखाया है बच्चे पैदा होन ते बाप खुशी मनाता है मेहनत करता इन्हां दी नेक उम्मीद लाता है गलती करके बेटा जदों वापस घर नूं आया है बाप ने उसनूं माफ करके सीने दे वाले लाया है बाप तो बेटा दूर जाके यारां नाल खुशी मनाता है मुश्किल वेले छड़े सारे बाप सीने नाल लाता है वफादार बेटा बनके यीशु ने वहाया है बाप की मर्जी पूरी की थी दुनिया नूं पहुंचाया है दूर दराज बेटा जाके बाप नाल पाई जुदाई है बद चरनी विच ऐश की थी जेत दुखा विच पाई है ना हर पानी दा आया जमाना सब नूं बहाने आ मां बाप नूं गिफ्ट देना बच्चियां नूं सिखाने आ आए मेरे बेटो सुनो जरा हिकमत नूं गल नाल लाया जे मां बाप जे करे नसीहत करे दा ताकत बनाया जे खुदा बरकत है खुदा खुश रखे बिटिया एस्टर लतीफ बाप के हवाले से गीत गाना चाहती हैं सामने तशरीफ लाएं Oh,
बाप की मोहब्बत बेपना है और उसकी शफकत में खुशकिस्मत इंसान है वो जिनके सर पे बाप की शफकत का साया है। अपने वालदैन से मोहब्बत रखें और उस साये को कभी भी अपने से जुदा मत होने दें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। मेरी दरख्वास्त है मिसिस शहजाद सदीक से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, अपने मसीह ईमान का इकरार करें। रसूलों के अकीदा के अल्फाज में हम अपने मसीह ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा कमवारी मरियम से पैदा हुआ पैंतूस पिलातुस की हकूमत में दुख उठाया मजलूब हुआ मर गया और दफन हुआ आलमी अरवा में उतर गया तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर पाक कलीसिया मुकद्दसों की रफाकत गुनाहों की माफी जिस्म के जूतने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। खुरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 12वीं आयत तिलावत कलाम पाक में हमारे हादी बेटी अरीका जबरान होंगी। हम शुक्रगुजार जिंदा खुदा आज के पाक सब्र के लिए कि जो तूने अपने बेटे और बेटों की जिंदगी में आज का दिन बख्श दिया। खुदा बाप हम अपने दिल से खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। शुक्र करते हैं मेरे पाप खुदा मीटिंग के गुजरे हिस्से के लिए कि जो तूने अपने बच्चों को हमेशा अपने पलों तले छुपा के रखा। खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा अपने बंदा के वसीला से हम तक पहुंचने को है। खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने फरिश्तों को हवाए और अपने खादमों को आपके शोले बनाता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमेशा अपने खादम को मेरे अपने आपके शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। खुदा आज का कलाम हमारे
मेरे अजीजो, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज फादर डे मनाया जा रहा है और इस वक्त जो बेटे और बेटियां बैठी हैं, जो खुदा के लोग बैठे हैं, आप सबों को आज का दिन मुबारक हो, फादर डे मुबारक हो कि आप अपने वालदैन के लिए बायसे फ़ख्र हों, बायसे सरफराजी हों कि आपके वसीले से आपके बाप का सर फ़ख्र से बुलंद हो और आप हर रोज़ अपने वालदैन की खिदमत करने वाले हों। माँ बाप जैसे भी हों, ज़रूर आप उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ें, बल्कि खुदा की मोहब्बत में कायम रहें और खुदा ने जो आपको खिदमत का तोड़ा दिया है ज़रूर उसे इस्तेमाल करें। जब पहली सिविल वार हुई तो जैक्सन विलियम स्मार्ट, जिसके 6 बच्चे थे, उसने मुल्की दफा के लिए अपने बच्चों को जंग में भेज दिया। जैक्सन विलियम स्मार्ट को अमेरिका की हुकूमत ने खराज तहसीन पेश किया और फिर 1919 में पहला फादर डे मनाया गया वाशिंगटन में। 1919 में जून के 3rd इतवार को पहला फादर डे मनाया गया। अजीजो, जब जैक्सन विलियम स्मार्ट की डेथ हुई तो उसकी एक बेटी सुनोरा स्मार्ट ने अपने बाप के लिए अपने मकामी पादरी से कहा कि जैसे मदर डे मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है, दीगर डेज मनाए जाते हैं, तो क्यों ना फादर डे भी मनाया जाए। तो मकामी पादरी साहब जो थे उन्होंने हाँ की और कहा कि हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन सुनोरा स्मार्ट ये चाहती थी कि उसके बाप का जो तारीख पैदाइश है उस पर ही 5 जून को फादर डे मनाया जाए। लेकिन वक्त बहुत कम था और पादरी साहब ने कहा कि क्यों ना हम इस वक्त को बढ़ा दें, तो फिर ये जून के 3rd इतवार को ये दिन मनाया जाने लगा। सुनोरा स्मार्ट अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी क्योंकि उनकी माँ पहले ही फौत हो चुकी थी, इसलिए सुनोरा स्मार्ट फिर तालीम हासिल करने के लिए किसी और मुल्क में चली गई, आर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में शिकागो में चली गई और फिर 1930 में फिर उसने वापस आकर फिर फादर डे की तशहीर शुरू कर दी। और जैसे ही उसने इस काम को फिर से उठाया तो जो काम वाले लोग थे, जो दुकानदार थे, जो कारोबारी लोग थे, जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उसका साथ दिया और लोगों ने तोहफे तहाइफ खरीदना शुरू कर दिए और अपने वालदैन को तोहफे तहाइफ देना शुरू किए। इसके बाद जब सुनोरा स्मार्ट वफात पा गई तो अमेरिकन सदर रिचर्ड निक्सन ने 1972 में फादर डे को
नेशनल हॉलीडे करार दे दिया और ऐलान कर दिया कि जून के तीसरे अतवार को छुट्टी होगी, पूरे मुल्क में छुट्टी होगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता फिर फादर डे जो पूरी दुनिया में फैलता गया। मेरे अजीजों, ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास वक्त नहीं है और वो साल में एक दिन अपने बाप से अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करते हैं और वो जाते हैं और सारा दिन वक्त की कमी के बायस वो सारा दिन अपने माँ बाप के साथ गुजारते हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आप बचपन से लेकर मरते दम तक बाप का साया आपके सर पर है और आप अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। उन लोगों को देखें कि जिनके पास वक्त नहीं है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें, वो एक दिन अपने माँ बाप के लिए मखसूस करते हैं। लेकिन आपके पास हर एक दिन है कि आप अपने माँ बाप को वक्त दे सकते हैं। अगर हम बाप के लुफी मतलब पर गौर करें तो फरोजल लगात के मुताबिक बाप हिंदी का इसमें मुज़क्कर है, इसका मतलब है पिता, पिदर, वालद, अब्बा या बुजुर्ग कहा गया है। यूनानी लफ्ज पातेर से जो ऐसे अल्फाज से माखिज़ है जिसका मैनी परवरिश करने वाला है, महाफज है, ताईद करने वाला है। और बाप होना खुदा की जिबली खासियत है कि वो अबवियत का असली माखज है। खुदा बाप अबवियत का असली माखज है। खुदा बाप ने ज़मीन व आसमान को खलक किया, खुदम खुदा ने हज़रत आदम को खलक किया, फिर खुदा ने अपने बंदा पर गहरी नींद तारी की और उसकी पसली में से पसली लेकर उसका एक मददगार हवा की सूरत में बनाया। और फिर अफजाइश का ये सिलसिला जारी हुआ कि खुदा खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा बढ़ो फलो और इस दुनिया को मामूर व मकूम करो। अजीजों, जब हम खुदा खुदा की उस कुदरत पर गौर करते हैं कि खुदा खुदा ने हर एक चीज़ को खलक किया है, चिरिन परिन हैवानात नबतात लोयतान ये सब कुछ खुदा खुदा की कहने से हुआ। लेकिन खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया और उसे अशरफ अल मखलूकात बना दिया। मेरे अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाप जो है उसका साया हमेशा हमारे सरों पर रहता है और बाप की कदर वही जानते हैं कि जो आप अपने बाप की मोहब्बत से सरशार हैं। मेरे अजीजों, मैं जानता हूं कि मेरे चार बच्चे हैं, तीन बेटे हैं, एक बेटी है। मेरी कलीसिया जानती है, मेरे अजीज जानते हैं, मेरे बहन भाई जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं। और जिन लोगों को ये इल्म है कि मेरे चार बच्चे हैं और मेरे चार बच्चे ही मेरी शफ़क़त और मोहब्बत से वाकिफ़ है, मेरे बच्चों को इल्म है कि मैं किस चीज़ से नाराज़ होता हूँ और किस चीज़ से खुश होता हूँ, वो मेरी खुशी और मेरी पसंद और नापसंद से वाकिफ़ है। और वही जानते हैं कि हमारे बाप की मोहब्बत क्या है। वो जानते हैं कि जो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं वो मेरी कामयाबियों में, मेरी नाकामियों में मेरे साथ साथ हैं। अजीजों, वो इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं कि माँ बाप की मोहब्बत क्या है। इसी तरह आप सब जो इस वक्त खुदम खुदा की हजूर हाजिर हैं,
आप भी वो बेटे बेटियां जो खुदा के घर में बैठे हैं वो जानते हैं कि खुदा की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत कैसी मोहब्बत है। वही उस मोहब्बत को जानता है कि जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है। वही खुदा की उस मोहब्बत को जानता है कि जिसको खुदम खुदा से प्यार है। वही इंसान उस मोहब्बत को जानता है कि जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है। वही उस मोहब्बत को जानता है कि खुदम खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की है। वो शख्स खुदा की मोहब्बत को जानता है कि खुदम खुदा ने हमें कैसे अपने हाथों से क्रिएट किया है, अपने हाथों से बनाया है। वही उस मोहब्बत को जानता है कि जो खुदम अपने खुदा से प्यार करता है। वही उस मसीह यीशु की मोहब्बत को जानता और पहचानता है कि मेरी खातिर, मेरे गुनाहों की खातिर मेरे मनुष्य ने अपनी जान का नजराना दे दिया है और हम उसके कीमती खून खरीदे हैं, हम उसके खून से खरीदे गए हैं। और वही मसीह यीशु की मोहब्बत को जानते और पहचानते हैं जो उसकी मोहब्बत से वाकिफ है। मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि खुदावंद खुदा ने हर एक चीज़ को खलक किया है। एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ जंगल में से गुजर रहा था तो वो कभी इधर कभी उधर भागता है और उसकी माँ उसे ये कहती है कि बेटा रात का अंधेरा है, अंधेरी रात है और जंगली जानवर हैं, लेकिन आप ध्यान से चलो। तो वो कहने लगा क्या हुआ, मेरे बाबा मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ है। और जब हम दुनियावी माँ बाप को जानते और पहचानते हैं, जब हम ये जानते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, तो वो हमें तमाम मुश्किलों परेशानियों से, वो हमें तमाम दुखों से रिहाई दिलाएंगे। तो ये जानते हैं कि खुदा हमारा खुदा जो आसमानों के आसमान पे रहता है वो हमारी हिफाजत और निगेबानी क्यों ना करेगा, वो क्यों ना हमें पाल लेगा और संभालेगा, वो क्यों ना हमारी पालना करेगा। मेरे जीजो, हमने कलाम अक्दस में से ये देखा है, खुदम के पाक कलाम में से, कि खुदम का पाक कलाम हमें खुरूज की किताब में ये फरमाता है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदम तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तमाम अहकामात में से इस हुक्म में हमारे साथ एक खूबसूरत वादा किया गया है, एक खूबसूरत वादा किया गया है। और वो वादा हमारे साथ ये है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र दराज हो। उम्र की दराजी हमारे लिए है और ये वादा बड़ा खूबसूरत वादा हमारे साथ है। मेरे अजीजो, ये तीन बातें जो हमारी जिंदगी के लिए अजहद हैं, ज़रूरी हैं, इन पर हमें गौर करना है कि जो माँ बाप खुदम खुदा की तरफ से हमें दिए गए हैं, माँ बाप का काम क्या है कि वो हमारी फिक्र करते हैं। माँ बाप का काम है कि वो दिन रात हमारी फिक्र करते हैं। माँ बाप को हमारी स्कूलिंग की फिक्र है, माँ बाप को हमारे खाने की फिक्र है, हमारे पीने की फिक्र है, पहनने की फिक्र है। और हर वक्त हमारी फिक्र में, हमारी सोचों में हमारे लिए खोए रहते हैं, इसलिए कि हमारे बेटे और बेटियां राहे हक पर चले, सच्चाई की राह पर चले। माँ बाप को दिन रात ये फिक्र रहती है कि जब वो छोटे होते हैं तो उस वक्त वो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। मेरे अजीजों, जब वो थोड़ा बढ़ते हैं तो वो उनकी नसीहत करते हैं और जब जवान होते हैं
तो फिर उन्हें हर एक बुरी राह से बचने के लिए नसीहत करते हैं। मेरे अजीजो, अगर हम खुदा खुदा पर गौर करें तो खुदा का काम है कि वो हर वक्त हमारी सोचों में, हमारे लिए फिक्रों में खोया रहता है। वो हर वक्त हमारे लिए फिक्र करता रहता है। खुदा पाक है और वो बदी को देख नहीं सकता। खुदम खुदा की उस मोहब्बत पर गौर करें कि खुदम खुदा जिसने अपने हाथों से हमें बनाया है, उस खुदम पर निगाह करें कि जिसने अपना ही दम हमारे नतनों में फोंक दिया है। मेरे अजीजो, माँ बाप को देखें कि जो दुनियावी माँ बाप हैं, जिनके वसीले से आज हम इस दुनिया में चलते फिरते नजर आते हैं, और माँ बाप का काम है कि वो हर वक्त हमारी फिक्र करते रहते हैं। अजीजो, खुदम खुदा का यही काम है कि वो हर वक्त अपने बच्चों के लिए, हर वक्त अपने बच्चों के लिए खोया रहता है। वो ना सोता है ना ऊँगता है, बल्कि हर वक्त अपने बच्चों के लिए जागता रहता है। और जो बेटे और बेटियां उससे दूर हो जाते हैं, फिर भी उनके लिए वो फिक्र करता रहता है। अगर हम मुसरफ बेटे पर गौर करें तो मुसरफ बेटे ने अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा तलब कर लिया और उसने अपनी जिंदगी ऐश इशरत के साथ गुजारी, दूर दराज मुल्कों में चला गया और वहां जाकर उसने ऐशो इशरत के साथ जिंदगी बसर की। लेकिन जब रुपया पैसा खत्म हो गया तो अब वो भूखा मरने लगा। फिर उसने किसी के हाँ एक जॉब तलाश की और उसने किसी से कहा कि मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दे। तो उसने कहा कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। उसने कहा कि तू अपने जानवरों के साथ मुझे रख ले कि मैं फलियां खाकर गुजारा कर लूँगा। उसे सुअर चराने के लिए नौकरी दी गई और वो उनके साथ फलियां खाता और ज़िंदगी बसर करता रहा। एक दिन उसने सोचा, उसने ख्याल किया कि मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर चाकर हैं, तो क्यों ना मैं अपने बाप के पास चला जाऊं और कहूं कि मुझे अपने नौकरों के साथ रहने दे। और जब वो फिर वापस लौटा तो उसका बाप दिन रात उसके लिए फिक्र करता था, दिन रात उसके लिए जागता रहता था और उसकी नजरें अपने बेटे की राह पर लगी रहती थीं। वो हर वक्त अपने बेटे के लिए सोचता रहता था। लेकिन जब उसे इल्म हुआ कि उसका बेटा फिर वापस अपने घर में आ रहा है, और जब उसके मुलाजिम ने अपने मालिक अपने आका को बताया कि तेरा बेटा तेरे यहाँ वापस नौकरी के लिए आ रहा है, तो जब बाप को इल्म हुआ तो बाप खुशी से फुलाना समाया और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसकी बाहें अपने बेटे के लिए खड़ी हो गईं। उसके बेटे के लिए उसकी बाहें जो तरस रही थीं, उसने अपने बेटे के लिए अपनी बाहों को बढ़ाया और वो चाहता था कि उसका बेटा उसके पास आए, उसका बेटा उसके गले लगे और उसका बेटा उसकी बाहों में आए। मेरे अजीजो, आज अगर हम अपने दुनियावी बेटे के लिए दुनियावी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों की फिक्र करते हैं तो खुदम खुदा हमारी फिक्र क्यों ना करेगा। खुदम खुदा हमारी फिक्र करता है दिन रात, वो हमारे लिए जागता रहता है, ना सोता है ना ऊँगता है, बल्कि हर वक्त हमारी फिक्र करता रहता है। उसने हमारे लिए अपने बेटे, हमारे नजात दहिंदा को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा ले, क्योंकि खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। इसलिए खुदम खुदा ने अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजा कि वो हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले ले और फिर से हमारी बहाली हो।
मुशरफ बेटे की फिर से बहाली हुई और वो जब अपने बाप के घर में आया तो बाप ने अपने नौकर को हुक्म किया कि एक बड़ी ज़ियाफ़त तैयार करो और बेटे को फिर शाही लिबास पहनाया और बेटे को फिर अपने पास रखा और उसे इख्तियार सौंप दिया। और जो दूसरा बेटा था उसने कहा कि ऐ बाप, तूने तो कभी मुझे ये नहीं कहा कि तू अपने दोस्तों के लिए एक ज़ियाफ़त कर ले, दोस्तों के लिए एक खाना तैयार कर, और तूने उसे जिसने अपना सारा मालूमता ले लिया, अपना सारा मालूमता ऐशो इशरत में उजाड़ दिया और तूने उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त तैयार कर ली। मेरे अजीज़ो, बाप ये चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसके पास रहें, खा वो अपना सारा मालूमता ले भी लें, लेकिन फिर भी माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। वो बदनसीब बेटे और बेटियां कि जो अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल देते हैं। मेरे अजीज़ो, हमने खुदा के पाक कलाम में से अभी सुना है कि खुदा का पाक कलाम हमें ये फरमाता है मुकद्दस पौलुस रसूल के खत में कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। और जब हम कलामे खुदा में ये देखते हैं कि खुदा खुदा नाफरमानी की सज़ा देता है, इंसाल चौथे बाब की जब हम पहली छः आयात में से देखते हैं तो खुदा का पाक कलाम ये फरमाता है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। और हमें भी ये कहा गया है कि हम अपने माँ बाप की तरबियत पर कान लगाएं। और जब हम अपने माँ बाप की तरबियत पर कान लगाते हैं तो खुदा खुदा हमें सरफराजी और खुशहाली अता करता है, खुदा खुदा हमें अपनी बरकतों से मामूर माकूम करता है। इमसाल 15वें बाब में जब हम देखते हैं कि अहमक अपने माँ बाप की तहकीर करता है और अहमक बेटा जो है अपनी माँ को बढ़ापे में हकीर जानता है, और माँ बाप की कदर करना जाने सीखें ताकि खुदा आपको अपनी बरकतों से मामूर माकूम करे। अहमक बेटा जो है वो अपने माँ बाप के लिए गम है, वो हर वक्त अपने माँ बाप को दुखों, गमों और मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं दे सकता। मेरे अजीजो, याद रखें कि हमें अपने माँ बाप के लिए सरफराजी का बायस बनना है, हमें अपने माँ बाप के लिए खुशहाली का बायस बनना है, क्योंकि हम जब खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं तो खुदा का पाक कलाम हमें ये फरमाता है कि पहले हम तारीकी में थे लेकिन अब हम नूर में हैं, तो हमें नूर में चलना है कि अब नूर का फल हर तरह से नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, तो हमें उस सच्चाई में अपने आप को लेकर चलना है, हमें उस नूर में अपने आप को लेकर चलना है, ताकि हम उस मोहब्बत में, उस सलीमी में, उस आजजी में, उस इनकसारी में चलें कि जो खुदा खुदा हमें फरमाता है। क्योंकि खुदा ये कहता है कि पहले तुम तारिकी में थे, अब नूर में हो, तो हमें नूर में होकर चलना है। खुदा खुदा नूर है, खुदा खुदा ने हमें कहा है कि तुम नूर के फर्जंद हो। जब हम नूर के फर्जंद हैं, यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, तो हमें उस नूर में चलना है कि जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम हर रोज़ खुदा खुदा की मोहब्बत में कायम रहें, हलीमी, आजजी, इनकसारी के साथ, फरोतनी के साथ हम खुदा की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करें, ना कि हम धोखा दही में, ना कि हम गुस्सा में, खफगी में, नाराज़गी में हम अपने आप को लेकर आगे बढ़ें। मेरे अजीज़ो, खुदा ये चाहता है कि हम
अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। खुदा यीशु मसीह अपने फ़र्ज से नहीं भूला। खुदा यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो वो अपने फ़र्ज से नहीं भूला। उसने अपने शागिर्द को कहा कि देख तेरी माँ ये है, और शागिर्द से कहा कि देख, अपनी माँ से कहा कि देख तेरा बेटा ये है। खुदा यीशु मसीह जो सलीब पर हैं उस वक्त भी वो हमारी फ़िक्र कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप की फ़िक्र कर रहे हैं। तो हमें भी अपने माँ बाप की फ़िक्र करना है, हमें हर वक्त अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना है, क्योंकि इस वादे में खुदम खुदा ने जो वादा किया है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर, और ये वादा हमारे साथ है। और जब हम इस वादे पर गौर करते हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त करना हम पर फ़र्ज है, औलाद पर ये फ़र्ज़ है, बच्चों के ये फ़राइज़ हैं कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और अपने माँ बाप को कमाल ताबेदारी के साथ इज़्ज़त दें, फर्माबरदारी के साथ उनके साथ साथ रहें। और जब हम खुदा खुदा के उन हुक्मों पर गौर करते हैं, वालदैन की उन बातों पर कान लगाते हैं, वालदैन की इज़्ज़त करते हैं, वालदैन की खिदमत करते हैं, तो खुदा इससे खुश होता है। खुदा यही चाहता है कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। खुदा खुदा ने इसीलिए हमें खलक किया है, इसीलिए हमें बनाया है ताकि हम खुदा खुदा की इज़्ज़त करें। खुदा ये कहता है अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है, अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है। मेरे अजीज़ो आज ये हमसे सवाल है कि अगर खुदा खुदा ने ये कहा कि अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है, मेरे अजीज़ो खुदा खुदा ने इस ज़मीन पर आपको अपनी शबी पर बाप की सूरत में एक बाप दिया है। इस ज़मीनी दुनियादारी में, इस दुनिया में आपको बाप दिया है। अपनी शबी पर खुदा खुदा ने इंसान को खलक किया है, और जब अपनी सूरत में हम सबों को एक बाप दिए गए हैं तो बाप की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए खुदा खुदा ने कहा है कि अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है। तो मेरे अजीज़ो हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना है, खुदा खुदा के उस हुक्म पर गौर करना है। तो जो लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, जो लोग इस दुनिया में अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, तो खुदा खुदा ने हमें उम्र की दराज़ी का एक बड़ा हसीन वादा दिया है। और हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना है तो खुदा हमारी उम्र को बढ़ाता है, लंबा करता है। मेरे अजीज़ो जो लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं खुदा खुदा उम्र को दराज करता है, खुदा खुदा अपने लोगों की उम्र को बढ़ाता है। अगर हम हज़रत अब्राहम की ज़िंदगी पर गौर करें, उसके बेटे की ज़िंदगी पर गौर करें, तो खुदा ने अब्राहम से मोहब्बत की और अब्राहम ने अपने बाप से, अपने खुदा खुदा से मोहब्बत की और उसके हुक्मों को माना, उसके हुक्म को कभी भी नहीं तोड़ा। खुदा ने उसे हुक्म दिया कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है, तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है, तो मेरे लिए उसको कुर्बान कर दे। तो उसने अपने बेटे को लिया और एक मज़बा बनाया, उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे को उस पर लटा दिया। और जब छुरी चलाने लगा, जब चाकू चलाने लगा, तो खुदा खुदा ने उसके लिए एक बरा मुहैया कर दिया। खुदा के बंदा ने अपने बाप के उस हुक्म को माना और उसके बेटे इज़हाक ने भी अपने बाप के हुक्म को माना और अपने आप को कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। मेरे अजीज़ो जब हम खुदा के बंदा की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो खुदा खुदा ने उसे बहुत सरफराजी अता की कि अब्राहम कौमों का बाप कहलाया,
जब हम हजरत यकूब की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो खुदम खुदा ने उसे सरफराजी अता की है। उसने कमाल ताबेदारी के साथ अपने बाप की खिदमत की, फिर उसने अपने मामू लाबन की खिदमत की, अपने ससुर की खिदमत की। तो आज जो बेटे और बेटियां यहां पर मौजूद हैं, यही ज़रूरी नहीं कि हम अपने बाप की खिदमत करें, बल्कि हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने ससुर की, जो बेटे और बेटियां यहां पर बैठे हैं, उन पर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बाप की और अपने ससुर की भी, अपने सास ससुर की भी बाप जानकर खिदमत करें। तो मेरे अजीज़ों, जो लोग खिदमत करते हैं खुदा उन्हें सरफराजी अता करता है, और वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाता था खुदा उसे बरकतों से मामूर माकूम करता था। मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा ने अपने लोगों को उम्र की दराजी अता की। खुदा हर बात में हमें समझाता है, सिखाता है, और जिस कदर खुदा के लोग खुदा की बातों पर अमल करते रहे तो खुदावंद खुदा ने उनकी उम्रों को बहुत दराज किया, बहुत बढ़ाया, और कोई 900 साल तक, कोई 800 साल तक, कोई 700 साल तक, कोई 300 साल तक। लेकिन जिस कदर वो मोहब्बत कम होती गई, उम्र भी कम होती गई। मेरे अजीज़ो, याद रखें कि तीन बातें जो हमें मिलती हैं, हमें माँ बाप की इज़्ज़त करना है और उसके साथ साथ हमें उम्र की दराजी का भी कहा गया है, और ये वादा हमेशा तक हमारे साथ साथ रहेगा कि हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना है, जो हमारे लिए हर वक्त फ़िक्रों में खोए रहते हैं, जो हमारे लिए हर वक्त जागते रहते हैं, जो हमारे लिए हमारे पालने की फ़िक्र करते हैं, हमें संभालने की फ़िक्र करते हैं, हमारी मुहाफ़ज़त करते हैं। खुदम खुदा का भी काम यही है कि वो हमें पालता, संभालता और हमारी हिफाजत और निगेबानी करता है। जब हम अपनी गलतियों खताओं की बदौलत उससे जुदा हो जाते हैं तो फिर भी वो हमारी फ़िक्र करता है, जिस तरह खुदम खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि फिर से हमारी बहाली हो और हम खुदम के नाम को जलाल दें और खुदम खुदा का शुक्र अदा करें। मेरे अजीज़ों, आज हम सब पर ये फ़र्ज़ है कि हम यीशु मसीह की मोहब्बत में कायम रहते हुए उन बातों पर गौर करें कि यीशु मसीह अपने फ़र्ज़ को नहीं भूला तो हम जो बेटे इस दुनिया पर हैं, हम जो बेटे और बेटी बेटियां इस दुनिया में हैं, तो हमें भी अपने उस फ़र्ज़ को कभी नहीं भूलना, ताकि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और खुदम खुदा हमें उम्र की दराजी अता करे, हमें खुदम खुदा अपनी बरकतों से माला माल करे, खुदम खुदा हर वक्त हम पर अपनी शफकत का साया हमेशा हमेशा के लिए बाप की सूरत में रखे कि हम उम्र की दराजी पाएँ और अपने वालदैन की इज़्ज़त करते रहें। खुदम आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले हों। आमीन। अपने माँ बाप की
ताबेदारी करने वाली हूँ, एक आदमी की खुदा हूँ, ये टोपी लगा कर कि हम अपने माँ बाप से दिलो जान से मोहब्बत करें, एक आदमी की खुदा उनकी राशि अदा करते हैं कि तुमने बात जानी न जानी ये खता हो गई और हम अपनी माँ बाप की नाफरमानी करते रहे, एक आदमी की खुदा हूँ बख्शे कि हम तेरी मोहब्बत में कायम रहते हुए अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले हूँ और तेरे नाम की गवाही दे रहा हूँ। खुदा हमें ताबेदार बना, वफादार बना कि हम तेरे उस हुक्म को मानते हुए कि तूने फरमाया अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र बढ़ जाए। खुदा तो अपने लोगों को उम्र की दराजी पीढ़ी और सलाम की अदा कर कि हर को बताई गई तेरे नाम की गवाह देते ऐसे बात करूं अपने लोगों के इन हरियों नजरानों शुक्रगुजारियों और दरियों को खुदा तमाम गिफ्ट आपकी नजरों को कबूल करवा ताकि लोग इसकी बस आसमान के दरीचों को खोल कर रख दें तेरे लोग दुनिया में खुश हैं, तेरे लोगों की जिंदगी में सिखाया जा रहा है। खुदा हमारी इतिहास को सुन और कबूल कर बख्शे ही वो लोग कबूल कर ये सब मानते हैं तेरे बेटे हमारी नजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी की वसीला से। खुदा की सारी दुआ में सब शामिल हो ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, तू ना आजमाइश में ना बल्कि भय से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत और जा हमेशा रहते हैं। अब हमारी एकदम यीशु मसीह का फज़्ल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुदस की हिफाजत और बशारत हम सब के साथ आलोकित कलीसिया के साथ तमाम मुकद्दसीन के साथ हर जमात के साथ तमाम फिरक के साथ आप से एक मिशन जवाब बेटे के नाम में। जी नाज़रीन, यकीनन आपने आज के कलाम के वसीला से बरकात को रिसीव किया होगा जो आपके लिए और आपके घरानों के लिए बाइस बरकत होगी। अभी मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त दें और मिलेंगे अगले इतवार एक और खूबसूरत चर्च में और ख़ूबसूरत इबादत के साथ।